बिग बॉस सीजन 16 में अब तक 2 एविक्शन हो चुके हैं। पहले हफ्ते बिग बॉस 16 के घर से श्रीजिता डे का एलिमिनेशन हुआ, तो पिछले हफ्ते मिस इंडिया रनर अप मान्या सिंह आउट हो गई। बिग बॉस सीजन 16 के चौथे वीक में एक दो नहीं बल्कि 7 कंटेस्टेंट घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट थे। हर किसी की निगाहें शो पर लगी थी कि शनिवार को कौन सा सदस्य घर से बेघर होगा, लेकिन सलमान खान ने शो के आखिर में पहले गौतम और फिर अब्दू के एविएशन का जिक्र कर घर वालों को चौंका दिया, लेकिन बाद में अनाउंसमेंट किया कि इस हफ्ते कोई भी नॉमिनेशन नहीं होगा। जी हां, बिग बॉस सीजन 16 के चौथे वीक में बिग बॉस घर वालों पर मेहरबान हो गए और किसी भी नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट को घर से बेघर नहीं किया। बिग बॉस इस बार खुद कंटेस्टेंट्स के साथ गेम खेल रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर बिग बॉस ने इस हफ्ते एलिमिनेशन क्यों नहीं किया? क्या बिग बॉस किसी को बचाना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड में जाना होगा। इस वीक घर से बेघर होने के लिए अब्दू रॉजिक, शिव ठाकरे, टीना दत्ता, निमृत, गौतम विग, सौंदर्या और गौरी नागौरी नॉमिनेटेड थे। इस हफ्ते नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सोशल मीडिया पर वोटिंग से जुड़ी रिपोर्ट्स सामने आई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक खतरे में राजस्थान की मशहूर डांसर गौरी नागौरी और खुद को डॉक्टर बताने वाली एक्ट्रेस सौंदर्या शर्मा थी। मतलब ये कि सबसे कम वोट के साथ गौरी और सौंदर्या के घर से आउट होने के चांसेस सबसे ज्यादा थे। ऐसे में बिग बॉस और मेकर्स ने फैसला किया है कि वो इस वीक एलिमिनेशन नहीं करेंगे। मतलब ये कि दोनों कंटेस्टेंट आउट नहीं हुए और इन्हें खुद को साबित करने के लिए एक हफ्ता और मिल गया। अब सवाल ये है कि आखिर बिग बॉस ने गौरी नागौरी को क्यों बचाया? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि शो में इस बार बखेड़ा खड़ा करने वालों में केवल गौरी नागौरी का ही नाम शामिल है। पिछले हफ्ते अर्चना गौतम के साथ घर में केवल वही एक ऐसी कंटेस्टेंट थी जिन्होंने हिम्मत दिखाई थी उनसे पंगा लेने की। वो अर्चना पर कहीं ना कहीं भारी भी पड़ गईं। मगर वीकेंड पर जिस तरह करण जौहर ने उन्हें फटकारा, उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस शो में कम दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरा कारण ये भी है कि राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों से उन्हें काफी प्यार मिल रहा है, तो संभव है कि उन्हें एक और मौका दिया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।